नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन वारती। बिहार सरकार ने बिहार इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से ठीक पहले पंचायतों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन सा फैसला है बिहार सरकार का। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ जहां उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए आम लोगों के पास यानी कि अपने मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुड़ चुका है। इधर बिहार सरकार भी लगातार चुनाव को लेकर अपनी शक्ति दिखा रहा है। प्रदेश में अब ग्राम पंचायतों में 15वें वित्तीय आयोग की राशि से होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि को ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से अर्थात अप्रैल से यह लागू होगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऑनलाइन भुगतान के लिए संबंधित पदाधिकारियों और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर लिया जा रहा है। यह व्यवस्था जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों में लागू होगी। मालूम हो कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिलने वाली राशि उक्त तीनों में वितरण होती है, यानी कि तीनों में बांटा जाता है। सबसे ज्यादा जो है 70% ग्राम पंचायतों को, उसके बाद 20% पंचायत समिति को और 10% की राशि जो है वो जिला परिषद को दी जाती है। अब नए नियम के तहत योजनाओं की राशि के भुगतान के लिए चेक नहीं काटेंगे मुखिया व अन्य प्रतिनिधि। अब पंचायत के खाते से राशि सीधे संबंधित व्यक्ति तथा एजेंसी के खाते में चली जाएगी। एक एक पैसे का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर दिखेगा, यानी कि अब जो है पंचायत को लेकर बहुत बड़ी पारदर्शिता दिखाई है बिहार सरकार ने। किस योजना में किस दिन किसे कितनी राशि दी गई, इसका पूरा विवरण स्वतः पोर्टल पर दिखाई देगा। यानी कि बिहार सरकार की यह जो योजना है बहुत ही प्रभावशाली होने वाली है। केंद्र और राज्य सरकार कंप्यूटर पर एक क्लिक से पूरी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग आसान होगी, साथ ही साथ योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से सामुदायिक भवन का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार, नल जल पार्क का निर्माण, स्वच्छता शौचालय आदि की सुविधा के लिए अन्य कार्य भी किए जाने हैं। कैसे होगी राशि का भुगतान? PFMS यानी कि पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान होगा। पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड होगा, जो कि जिसकी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। PFMS से सभी पंचायतों का खाता लिंक रहेगा। प्रतिनिधि और कर्मी के डिटेल हस्ताक्षर से राशि जारी होगी। इससे पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायक तकनीकी मदद करेंगे। प्रतिनिधि का एक पासवर्ड भी होगा, जिसे डालने के बाद ही राशि का भुगतान हो सकेगा। जिला परिषद से पंचायत स्तर तक ही यह व्यवस्था की गई है, वार्ड स्तर पर अभी यह लागू नहीं की गई है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानमंडल के दोनों सदनों में द्वितीय पूरक बजट पेश किया। यह बजट 19,370 करोड़ रुपये का है। इसे चालू वित्तीय वर्ष यानी 2020-2021 के विभिन्न मदों में खर्च किया जाना है। सबसे अधिक 9,530 करोड़ रुपये वार्षिक योजना मद में खर्च होना है। 9,399 करोड़ रुपये स्थापना एवं प्रतिव्यय के लिए दिया गया है। केंद्र की ओर से राज्य से चलने वाली योजनाओं के लिए 429 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना मद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, शहरी नवीकरण मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि की राशि दी जाएगी। ये योजनाएं केंद्र और राज्य के साझे यानी कि साथ में खर्च करने से चलती है। पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया राशि को भी आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दूसरे किस्त का बकाया राशि का हिस्सा निर्गत कर दिया गया है। इसी मद में नगर विकास एवं आवास विभाग को 638 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए भी करीब 400 करोड़ रुपये का बजट जो है प्रावधान में लाया गया है। बिहार और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।